साथी आज तकरीबन 12 बजे हमारी सलाह बनी थी और सबको मैंने फोन मेरे ख्याल से 12:30 बजे करीब ही किया है। ये आप सबका बहुत शुक्रिया है कि आप लोग इतने शॉर्ट टाइम में भी आज यहाँ पहुँचे हैं। और मेरा खसूसन जो चौधरी शाह साहब हैं, ये खाना गावर से हैं, अपने साथियों के साथ कुछ बराती से हैं, कोचिंग से आए हैं, टोकरी से लोग आए हैं, बहुत शुक्रिया इनका। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और आज की ये तकरीब जो है, ये हमारे ममान जो पाकिस्तान कराची से आए हैं, जियो के ये नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर साहब जियो में कराची में आए हैं, और ये अरफान सदीकी साहब के दोस्त हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारे ममान के लिए फ़र्ज की बात है कि हमारे मोहतरम दोस्त अरफान सदीकी साहब जो पहले जंग खबार में थे, उसके बाद जियो में आए, फिर खबार जाम में भी आए, अब ये जो है जंग अखबार में कॉलम भी लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। ये हमारे सब के लिए एजाज की बात है, और एक दफ़ा इनके लिए तालियां लगाएं आप सारे। हम इनसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप ये सब के लिए सबको एक जैसा रख के, और पूरे मीडिया के लिए जैसा मीडिया आज़ाद होता है इसलिए इसी तरह ये सब के लिए एक तरह का जो ना वर्क करेंगे, और किसी को ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। जो वर्क करेगा जबान में उसको उसी तरह अहमियत इनको देनी चाहिए, और इंशाल्लाह। और आशिष समाज साहब हैं, मोहम्मद साहब, ये भी तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम इन दोनों भाइयों की एजाज में भी था, और हमारे कुछ साथी पाकिस्तान चले गए हैं, और अभी जुम्मे को भी सारे जा रहे हैं साथी हमारे दोस्त की शादी है शेख साहब की। आपको याद होगा ये जापान में जो मैं कायदे तो सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने किया है, इंशाल्लाह हमें ये एजाज हासिल है कि योम कायदे सबसे बड़ा हमने ये जापान में किया था पिछले साल, तो उसके हवाले से भी कुछ बातें करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये बात अक्सर दूसरे बारे में आयत में बयान करता हूँ, मौलाना मुअन्ना मिश्र इब्न फौफी वलजुनाक्सिन वअमवाली वलअनफुसी वसमारात वशिर साबिरीन। अल्लाह ताला फरमाता है हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे जान और माल से, खौफ और खतर से, औलाद की कमी से, बस जिन लोगों ने सब्र किया उन्हें अल्लाह अजर देगा। वो तो इज्जत मानते शाह व तुज़िल्लु मानते शाह बिया निकल है इन्ना काला कुल शय कदीर। रब्बुल इज्जत जिसको इज्जत अता करता है उसका उसको वही इज्जत देता है, अगर वो इज्जत दे, अगर वो जिल्लत पे आए तो जिल्लत भी दे देता है। अगर आपकी तरफ एक से सारी दुनिया है और अल्लाह आपको इज्जत जिल्लत देने जाता तो आपको इज्जत कभी नहीं दे सकती, और पूरा अगर दुनिया आपकी मुहालफ और अल्लाह इज्जत देने वाली जात वो आपको इज्जत देगी इंशाल्लाह। अरफान सदीकी साहब इन्होंने मेहनत की, आज अल्लाह ने इनको मुकाम दिया, मुश्किलात परेशानी आती हैं वो इन्होंने सारी अबूर की, आज अल्लाह ने इनको ये मुकाम हासिल किया है, इनको मिला है। हमारी तरफ से, मेरी मुस्लिम जबान की तरफ से, मेरे तमाम दोस्तों की तरफ से इनको बहुत मुबारक हो। और दूसरा योमे कायदे मैं भी क्योंकि जा रहा हूँ इनके साथ शादी पे पाकिस्तान, इसलिए हमने आज जो हमारे कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ की साल की 25 सितंबर को होती है, उसी हवाले से भी योमे कायदे के हवाले से भी हम पाकिस्तान में जाके भी ये प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जुम्मे को ये सारे जा रहे हैं। और कायदा तो मोहम्मद अली जनाह ने पाकिस्तान इसलिए नहीं था बनाया कि क्या आज जो हालात आप देखें, ना बिजली है ना गैस है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त बम धमाके हो रहे हैं, अब पोलियो जो पोलियो कहते हैं औरतों को कत्ल किया जा रहा है, तो आखिर क्या आप कायदा मोहम्मद अली जनाह ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था जो कलमे की बुनियाद पर रखा गया था, आज ये वो हमारा क्या ये वो पाकिस्तान है? आप सब देख रहे हैं कि आप ओवरसीज में रहने वाले पाकिस्तानी जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं पाकिस्तान के लिए, वो ज़्यादा इस वक्त परेशान सबसे ज़्यादा ये लोग हैं ना, पाकिस्तान जा सकते हैं जिन लोगों ने शादियाँ की हैं, जिनके बच्चे अब जवान हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। अभी ये सारे कम्युनिटी के मसले की बात से अब नदीम डोगर साहब के लिए जो 25 साल से जो के अंदर एक क्राइम रिपोर्टर के हवाले से हाँ सही है, तस्वीर सही आ रही है।